वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि W3, जिसे हम ट्रिपल W के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, जब भी हम इंटरनेट पे किसी भी वेबसाइट को सर्च करते हैं तो हम उसके आगे ट्रिपल W लगाते हैं, www.google.com, www.yahoo.com, इस तरीके से। वो क्यों? तो चलिए आज हम इसके बारे में बात करते हैं। www offers a way to access document spread over the several server over the internet। जैसा कि आप जानते हैं, इंटरनेट पर बहुत सारे सर्वर्स इकट्ठा रहते हैं और उन सभी सर्वर्स में अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट्स रहते हैं जिन्हें हम इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस कर पाते हैं। द वेब गिव्स यूजर एक्सेस टू अ वास्ट एरे ऑफ डॉक्यूमेंट दैट आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय मींस ऑफ हाइपर टेक्स्ट और हाइपर मीडिया लिंक। तो आप जानते हैं कि इंटरनेट पर जो भी जानकारी रखी होती है वो सभी के सभी वेब के अंदर रखी रहती है। एक वेब जो कि बहुत बड़ा वास्ट एक एरे होता है डॉक्यूमेंट्स का, जिसमें सभी डॉक्यूमेंट्स एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। अब यदि सभी डॉक्यूमेंट्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं तो वो कैसे, किस तरीके से कनेक्टेड हैं? तो वो सभी डॉक्यूमेंट हाइपर टेक्स्ट यानी कि हाइपर मीडिया लिंक के द्वारा एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, जिन्हें हम आसानी से अपने घर पर इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस कर पाते हैं। दीज डॉक्यूमेंट में कंटेन टेक्स्ट, ग्राफिक, ऑडियो, वीडियो, हाइपरलिंक। तो इन डॉक्यूमेंट्स में जरूरी नहीं है टेक्स्ट हो, वीडियो हो, ऑडियो हो, किसी भी तरह की कोई भी डॉक्यूमेंट इसमें हो सकता है। फिर वो टेक्स्ट होता हो सकता है, वीडियो हो सकता है, ग्राफिक हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, हाइपरलिंक होता हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो वेब पर ट्रिपल W पर जो भी जानकारी रखी हुई है वो सभी जानकारी, वो सभी डॉक्यूमेंट्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। किसके जरिए? हाइपर टेक्स्ट और हाइपर मीडिया के जरिए। अब वो जानकारी, वो डॉक्यूमेंट्स कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं? वो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट हो सकता है, वो डॉक्यूमेंट ग्राफिक हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, और वो हाइपरलिंक भी हो सकता है। द हाइपरलिंक अलाउ द यूजर टू नेविगेट बिटवीन डॉक्यूमेंट। जो ये हाइपरलिंक है वो यूजर को अलाउ करता है कि वो एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट पर नेविगेट, मतलब जा पाए। द वेब ऑपरेट विद इन द इंटरनेट बेसिक क्लाइंट सर्वर फॉर्मेट। जो वेब है वो किस तरह से काम करता है? इंटरनेट के बेसिक यानी कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर फॉर्मेट पर कार्य करता है। सर्वर आर द कंप्यूटर प्रोग्राम दैट स्टोर एंड ट्रांसमिट डॉक्यूमेंट टू अदर कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क। और सर्वर ही उसमें एक ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम है जो अन्य कंप्यूटर्स को जानकारी भेजते हैं। तो यदि मैं बात करूं ट्रिपल W की, तो ट्रिपल W एक ऐसा सर्वर या फिर एक ऐसा इंटरनेट पर हब है जिसमें सभी की सभी बहुत सारी अलग अलग तरीके की जानकारी रखी हुई है। और वो जो जानकारियां हैं वो डॉक्यूमेंट्स हैं। तो वो डॉक्यूमेंट किस प्रकार के हैं? वो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट हो सकते हैं, ग्राफिक हो सकते हैं, ऑडियो हो सकते हैं, वीडियो हो सकते हैं, और वो सभी डॉक्यूमेंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसके थ्रू? हाइपर टेक्स्ट के थ्रू। और ये जो वेब है वो इंटरनेट के बेसिक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पर काम करता है, यानी कि वो बंदा जो अपने घर पर बैठे जानकारी को निकाल पाता है, सर्वर को कुछ रिक्वेस्ट भेज पाता है, तो वो कहलाता है क्लाइंट। और जहां से उसके पास जानकारी आती है वो कहलाता है सर्वर। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं जो वेब है वो इंटरनेट के बेसिक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर फॉर्मेट में कार्य करता है, जिस पर रखी गई जानकारी को हम आसानी से निकाल पाते हैं, सर्च कर पाते हैं, देख पाते हैं। उसमें रखी गई सभी जानकारी हाइपर टेक्स्ट यानी कि एक लिंक के माध्यम से जुड़ी हुई होती है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर आपने अपने सिस्टम में देखा होगा, जैसे कि क्रोम। तो ये अलग अलग तरीके के वेब ब्राउजर्स होते हैं जिनके द्वारा हम इंटरनेट पर रखी गई जानकारी को सर्च कर पाते हैं, देख पाते हैं, और उस जानकारी को कॉपी पेस्ट अपने पास स्टोर करके रख पाते हैं। तो वेब ब्राउजर और सिंपली ब्राउजर इज एन एप्लीकेशन। हम ये कह सकते हैं कि एक तरीके का एप्लीकेशन होता है वेब ब्राउजर, यूज टू एक्सेस एंड व्यू वेबसाइट, जिसका उपयोग हम वेबसाइट को एक्सेस और देखने के लिए करते हैं। कॉमन वेब ब्राउजर इंक्लूड, कुछ कॉमन वेब ब्राउजर के यदि मैं नाम लूं तो वो है माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स एंड एप्पल सफारी। ये सभी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट वेब ब्राउजर्स हैं जिनके द्वारा आप इंटरनेट पर रखी गई जानकारी को देख पाते हो, एक्सेस कर पाते हो। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ वेब ब्राउजर इज टू रेंडर HTML।
यदि मैं सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूं तो वेब ब्राउजर का प्राइमरी फंक्शन क्या है? एचटीएमएल को रेंडर करना, द कोड यूज टू डिजाइन और मार्कअप लैंग्वेज, और उसका कोड जिसके उपयोग से हम वेब पेजेस को डिजाइन करते हैं, वो मार्कअप लैंग्वेज जिसकी हेल्प से हम वेबसाइट्स को क्रिएट करते हैं, वेब पेजेस को क्रिएट करते हैं। तो वेब ब्राउजर का जो मेन फंक्शन रहता है उसी एचटीएमएल कोड को रेंडर करना। वेब ब्राउजर एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा एप्लीकेशन है जो इंटरनेट पर रखी गई बहुत सारी अलग अलग तरीके के वेब पेजेस, वेबसाइट्स को एक्सेस करने में हमारी हेल्प करता है। वेब ब्राउजर के हेल्प से हम उस जानकारी को देख पाते हैं, निकाल पाते हैं, एक्सेस कर पाते हैं। तो वेब ब्राउजर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यदि मैं बोलूं, जिसके द्वारा हम किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी इंटरनेट पर रखी हुई उसे हम सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं और ओपन कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होता है? उसके लिए हमें कुछ नहीं करना होता, हमारे सिस्टम में वेब ब्राउजर होना चाहिए, जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्रोम, मोज़िला, कोई भी ब्राउजर होगा चलेगा, और आपके सिस्टम में इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। यदि आपका सिस्टम इंटरनेट से कनेक्टेड है तो ही वो वेब ब्राउजर के हेल्प से इंटरनेट पर रखी गई जानकारी को एक्सेस कर सकता है। यदि आप इंटरनेट पर रखी गई जानकारी को एक्सेस करना चाहते हो तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने सिस्टम को इंटरनेट से कनेक्ट करना होगा और वेब ब्राउजर ओपन करके एड्रेस बार में उस वेबसाइट का नाम डालना होगा जिसे आप ओपन करना चाहते हैं। नाम डालने के बाद आपको एंटर करना है और आपकी स्क्रीन पे वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी।